आप तमहीद क्या बांधना, आप तो बेटी हैं हमारी, और अगर माएं अपनी बेटियों के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा, है ना बेटा? अभी तुम जवान, तुम्हारी बेटी का पूरा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने पड़ा है। हम ये नहीं कह रहे फौरन अभी अभी या देर से, लेकिन आपको अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब भी आप ये सोचे, ये मत भूलिएगा कि हम आपकी माँ हैं। हम आपको इस घर से बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रुखसत करेंगे अपने साये। शुक्रिया बीजान। बीजान मेरी जिंदगी ना बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी है। उन्होंने भी सारी जिंदगी बेवकूफी में गुजारी और उनका मकसद सिर्फ मैं थी। ये बात तब समझ नहीं आती थी मुझे, जब अल्लाह ने मुझे हिरा दी तो मुझे समझ आई मेरी जिंदगी का मकसद हिरा है, सिर्फ हिरा। हाँ, अल्लाह बहुत हिम्मत दे मेरी बच्ची। अपने आपको कभी भी अकेला नहीं समझना। हम जब तक जिंदा है ना, आपके हर अच्छे बुरे में आपके साथ है। शुक्रिया बीजान। बीजान आपको पता है ना, स्कूल में नौकरी कर रही हूँ मैं, बस ये दर्द की वजह से थोड़ा गैप आ गया। मैं मंडे से दोबारा ज्वाइनिंग कर रही हूँ। अल्लाह कामयाबी है।